बाबर मैया, ये उकड़ू करके क्यों बैठे हुए हो? वो दिन दूर नहीं जिसमें हम दोनों टीमों का आमना सामना होने वाला है। बाबर मैया, अब तैयार हो जाओ, इस बार हम लोग तुम लोगों से पिछले वर्ल्ड कप का बदला लेने वाले हैं। रोहित भाई, हम तो तैयार हैं, बस 23 अक्टूबर के लिए तुम तैयार हो जाओ। मैं तो बेसब्री से वेट कर रहा हूँ कि कब वो दिन आए और मैं तुम लोगों की टीम को फसाने का तेल लगाकर पेलूं। अबे ओ घनचक्कर की औलाद, ये जो तुम मेरी उंगली देख रहा है ना, ये अभी होश में नहीं है, मगर एक बार अगर ये उंगली होश में आ गई तो समझ लेना कि ये उंगली तेरे जिस्म में कहीं भी घुस सकती है। अभी इतना तो समझदार ही होगा, इससे ज्यादा फालतू बकवास मत कर। चिकू भाई यार, तुम इतना सीरियस क्यों हो जाते हो यार? क्रिकेट तो एक गेम है, गेम को गेम की तरह खेलना चाहिए। आप तो यार हर बात पर सीरियस हो जाते हो। देखो चिकू भाई, हमने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत मेहनत की है और शायद आप लोगों ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत मेहनत की होगी। जो बंदा ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करेगा T20 वर्ल्ड कप वही जीत कर ले जाएगा। हाँ भाई, टीमें इतनी सारी हैं और कप है एक, अब वो किसकी किस्मत में होगा वो हमें नहीं पता, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि हम लोगों की टीम तुम लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से पेलने वाली है। इस बार तो तुम लोग हम लोगों से बच नहीं पाओगे। रोहित भाई, आप मुझे एक बात बताओ यार, आप दारू पीकर ग्राउंड में खेलने आते हो क्या? भाई मैंने आपको जब भी देखा है एक दो रन बनाकर सीधा पवेलियन चले जाते हो यार। बाबर ससुरी के, तू टेंशन मत ले, तुम लोगों के खिलाफ मैं सेंचुरी ठोकने वाला हूँ, इसलिए अपने टीम के बॉलर्स को पहले समझा देना कि अच्छे से प्रैक्टिस करके आए, नहीं तो उन लोगों की मैं इतनी ठुकाई करूंगा कि मारूंगा ज्यादा और गिनूंगा कम।